सूदखोरों से परेशान टोंक के निवाई के व्यापारियों ने एसपी को परिवाद देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। इसके साथ ही पीड़ितों ने निवाई थाना अधिकारी पर सूदखोरों से मिलीभगत करने का आरोप भी लगाया है। जानकारी के अनुसार निवाई में ब्याज माफियाओं का गिरोह बना हुआ है, जो लोगों को ब्याज पर रुपए देने के लिए प्रेरित करते हैं और मनचाहा ब्याज वसूलते हैं। इनके खिलाफ पुलिस थाना निवाई में मामला भी दर्ज है। पीड़ितों की ओर से मामला दर्ज होने के बाद ब्याज माफिया जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। ब्याज माफियाओं पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस पीड़ितों को डराने और धमकाने में लगी हुई है। जी, मैंने नसीब भाई से 1,00,000 रुपये लिया था, जिसका 8 महीने से मैं ब्याज दे रहा हूँ। 20,000 रुपये महीना शुरू में देता था, तो उसके बाद में 15,000 रुपये ब्याज कर दिया था उन्होंने। 15,000 रुपये ब्याज अभी तक देता हूँ और असल उनकी जगह ये। और उसके अलावा सर जी, बहुत सारे जने जो मेरे से 600-600 रुपये रोज, जैसे 30,000 रुपये लिए थे तो 600 रुपये रोज लेते ब्याज, और वो अभी तक लेते हैं। उनका असल 30,000 वही है, 600 रुपये रोज ले रहे, 1.5-2 साल हो गया देते। सर, ये ब्याज खोर होंगे, ये आर्थिक लोगों का गिरोह सर, ये सूर्यदास स्वामी, क्या नाम, ये बेणी प्रसाद, बिजू बना, कैलाश शर्मा, और ये प्रकाश सेन, और ये मुकेश स्वामी, रण सेन, ये जगोदर्शन नाथा होते। आप इनके जाल में कैसे फंसे? सर, मेरे पास दुकान पर आया था कि दुकान में मारवाल कमा, जो मारवाल डला। अब मैंने सूर्यदास स्वामी से मैंने पैसे लिए 3.5 लाख रुपये ब्याज का, मुझे बाद में मालूम चला भाई इनका ब्याज 8 रुपये है। फिर मैं उनको किस्त देता रहा मंथली 30,000 रुपये की, उनको मैं ये दे चुका अब तक 12 लाख रुपये। मैंने क्या नाम से 10-5 हो गए इनसे पैसे लिए थे, पैसों के क्या नाम से कोई 5 के 25 ले लिया, कोई 5 के 20 ले लिया, कोई 30 ले लिया, ऐसे ही चुगल में फंसा लिया। जब तक मेरी बस की रही जब तक तो मैं इनको दिया करा, मेरे मकान दुकान सब दुकान धंधा भी सब चौपट हो गया, और मेरे को फिर धमके देने लग गई। एक दिन मेरे फिर तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब होने के बाद में मेरे फिर दोनों हमने क्या नाम से 2 गिलासों में जहरी गोल लिया, क्या नाम से कोई बस की नहीं है। उस दिन बताया मैं सब गर्कों को क्या नाम से, तो वो टोंक ज़िले में सूदखोरों का ऐसा मकड़ जाल है कि कई परिवारों को इसमें तबाह कर दिया है। आज टोंक ज़िले में के निवाई शहर और टोंक शहर के कुछ पीड़ित यहाँ पहुँचे एसपी कार्यालय और एसपी से गुहार लगाई कि वो इस मकड़ जाल से उनको निकाले। कई परिवारों के तो घर बिक चुके हैं, तो कई की दुकान बिक चुकी है, कई 1,20,000 रुपये दे चुके हैं फिर भी इस जाल से नहीं निकल पा रहे हैं। कई ऐसे हैं कि एक सूदखोर से पैसे लेते हैं और दूसरे खोर से उसे चुकाने के लिए उनको उलझाया जा रहा है। अब देखना यह है कि टोंक एसपी इस संबंध में क्या कार्रवाई करते हैं। भूपेंद्र सिंह, सच बेधड़क, टोंक।